जनता पार्टी का काम है सरकार को चेताना, जनता को जागरूक करना, और भारतीय जनता पार्टी जनता के अधिकार के लिए हर स्तर तक जाकर के समय अनुसार रचना करती हुई और आगे बढ़ेगी और लड़ेगी। और बहुत बड़ा काम सरकार ने किया, बहुत बड़ा इनाम हमारे प्रदेश के किसानों को, गरीबों को पिछले कल सरकार ने दिया कि गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक नलका है उसको 100 रुपया प्रति नलका चार्ज होगा, दो नलके हैं तो 200 रुपया, परिवार बड़ा है 3 नलके हैं तो 300 रुपया उसको चार्ज होगा। ये और बहुत बड़ा तोहफा दिया, माने मंत्री जी की स्टेटमेंट के अनुसार 17 लाख उपभोक्ता हैं और 17 लाख उपभोक्ताओं को ये बहुत बड़ा इनाम चुनाव के बाद प्रदेश की सरकार ने दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल को निशुल्क किया था भारतीय जनता पार्टी की पूर्व श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने। और मैं और ध्यान कराना चाहता हूँ कि जब ये निशुल्क किया था तो बिल आता था 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया बिल आता था, अब वो फ्लैट रेट हो गया 100 रुपया। और इस प्रकार से लगभग लगभग 1000 करोड़ रुपया प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जनता पर लगाया। उसमें भी किस तरह से जनता को बरगलाने का प्रयास, मंत्री जी बोलते हैं जिसकी आमदनी 50,000 रुपये की है उससे नीचे है उसको ये पैसा नहीं लगेगा। हम बंद, काम बंद, डेवलपमेंट बंद और टैक्स लगाना शुरू, लोगों की जेब में से पैसा निकालना शुरू, 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज और उसके बाद खजाना खाली और विकास के नाम पर शून्य। हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग केवल और केवल लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का और वायदा करके सत्ता में आए, उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री उसको गोलमोल कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। हिम केयर योजना जो हजारों लाखों गरीबों को लाभ कर रही थी उस योजना को गोलमोल कर दिया और उसको बंद कर दिया, योजना उसके पैसे देने बंद कर दिए, सुकन्या योजना उसके पैसे देने बंद कर दिए। तो इनडायरेक्टली वेलफेयर की स्कीमें उनको बंद करना और केवल अगर धनराशि है तो अपने मित्रों की भलाई के लिए है, जनता की, गरीब की भलाई के सारे काम बंद करने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है, जनता इससे त्रस्त है। ये आज मुझे आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार और जनता को कहना था। जनता पार्टी का काम है सरकार को चेताना, जनता को जागरूक करना और भारतीय जनता पार्टी जनता के अधिकार के लिए हर स्तर तक जाकर के समय अनुसार रचना करती हुई और आगे बढ़ेगी और लड़ेगी। क्या तोहफा, राशन के अंदर दालों के दाम
पिछली तिमाही में बढ़ा करके और एक बहुत बड़ा इनाम दिया, और अभी इस तिमाही में खाने के तेल के दाम 13 रुपया लीटर बढ़ाए। मैं आपके माध्यम से ध्यान कराना चाहूँगा कि 2 महीने तक डिपो में तेल नहीं दिया, और जब तक ये दाम नहीं बढ़े तब तक तेल की सप्लाई रोक दी गई, और अब वो 13 रुपये लीटर उसके दाम को बढ़ाया। 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में